नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। देश में इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लूटकांड के मुख्य आरोपियों में से एक अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी एनकाउंटर का एक और मामला सामने आया है, जिसके बाद यूपी पुलिस और योगी सरकार सवालों के घेरे में है। गाजीपुर में आरपीएफ के दो जवानों की हत्या करके उनके शवों को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने के मामले में आरोपी मोहम्मद जाहिद को यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया। अब इसे लेकर सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पुलिस एनकाउंटर और सीएम योगी आदित्यनाथ पर गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ एक महंत हो सकते हैं, पुजारी, मठाधीश और पूजन प्रक्रिया के विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनका सरकार चलाने से क्या मतलब, ग्राम प्रधानी भी वे चलाने योग्य नहीं है। अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि पुलिस को कानून में किसी का एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। फर्जी एनकाउंटर घर से ले जाइए और गोली मार दीजिए, किसी के पैर में, किसी के छाती में और किसी के सर में गोली मार दीजिए। जब आरोप लगने लगा तो इन लोगों ने ठाकुर को भी मार दिया। आपने पहले जो किया हुआ है वह भी हत्या है और अब जो किए है वह भी हत्या है, और दोनों मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीड़ितों के पक्ष में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खड़ी है। वही बात अगर गाजीपुर एनकाउंटर मामले की करें तो गुवाहाटी एक्सप्रेस में 19-20 अगस्त की रात अवैध शराब की तस्करी रोकने की कोशिश में आरपीएफ के दो जवानों जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों के शवों को चलती ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया गया। दोनों के शव पंडित दीनदयाल उपाध्याय दानापुर रेलखंड पर अलग अलग स्थानों पर मिले थे। पुलिस जांच में पता चला कि इस हत्याकांड के तार बिहार के शराब माफियाओं से जुड़े हैं। हत्याकांड में शामिल 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मोहम्मद जाहिद नाम का आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने इस बारे में क्या कुछ कहा वो सुनिए। तो एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका जो मुख्य अभियुक्त, जो कि हमारा 1 लाख का इनामी है सोनूर जाहिद, वो दिलदार नगर रमनिया बॉर्डर पे आज ट्रेन में शराब लोड करने वाला था। तो वहां पर जब टीमें पहुंची उस जानकारी के आधार पर, तो इसने फायर झोंक दिया टीम पर, तो जवाबी फायर में इसको गोली लगी जिसमें ये घायल हुआ। इसको तत्काल सीएससी ले जाया गया, वहां से इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अधिक रक्त बह जाने के कारण जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित किया वहां पर। तो इसमें अभी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और ये बहुत ही शातिर अपराधी था। इसके विरुद्ध कई मुकदमे पूर्व के शराब एक्साइज के एवं अपहरण आदि के वहां पर दर्ज थे और बहुत ही लंबे समय से ये यहां पर, इसको बूट लैगिंग कहते हैं, शराब तस्करी का काम ये करता था इस पूरे रूट पर। और जब से हमारी ये कार्रवाइयां हुई हैं, विभिन्न कार्रवाइयां, तब से इस पूरे रूट पर शराब तस्करी पर काफी रोक लगी है और अभी हमें इस पर, शराब तस्करी पर भी बहुत काम करना है और एवं इस केस से संबंधित कुछ अपराधी और शेष हैं उनके विरुद्ध भी हम जल्दी ही उनको भी पकड़ के और उनके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।